दोस्तों क्या आप यहाँ पर इन्फिनिक्स के फ़ोन को पसंद करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले एक और 5G फ़ोन की। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन काफ़ी जगह पर सर्टिफाई हो चुका है और इस स्मार्टफोन का नाम होगा इन्फिनिक्स नोट 30 5G। ये जो स्मार्टफोन है, यहाँ पर इसकी क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, क्या कुछ फीचर्स होंगे, ये स्मार्टफोन किस प्राइस पर और साथ ही साथ इसका क्या लुक होगा दोस्तों, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। हाँ तो भाई, सबसे पहले थोड़ी सी जान पहचान करते हैं। तो ये फ़ोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी होगी दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और रही बात डिज़ाइन की, तो यहाँ पर एक इवेंट के दौरान स्मार्टफोन का जो पोस्टर है वो लीक हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलने वाला है? वैसे दोस्तों आपको इसका लुक कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में दोस्तों बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फ़ोन के बाकी फीचर्स की। तो चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फ़ोन के मुखड़े की। तो इस बार आपको मिलने वाली 6.7 इंचेस के फुल HD प्लस वाली AMOLED पैनल, साथ ही साथ 1000 नीट्स तक की ब्राइटनेस होगी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा और 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट, साथ ही 180 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट। सो देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है, ब्राइटनेस भी अच्छी है, कलर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे होंगे, टच सैम्पलिंग रेट वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। और साइज़ देखा जाए तो थोड़ा सा बड़ा है, एक हाथ से यूज़ करने में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन के चिपसेट की, तो एज़ पर लीक यहाँ पर हमें एक नया चिपसेट देखने को मिल सकता है, मीडियाटेक की तरफ से आने वाला डायमेंसिटी 6080 का चिपसेट। और दोस्तों ये चिपसेट 6nm बेस्ड है, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी निकाल कर देगा और साथ ही साथ यहाँ पर हीटिंग वगैरह की शिकायतें भी काफ़ी कम होंगी। और आपको बता दूं कि ये पहला फ़ोन होगा जहाँ पर हमें ये चिपसेट भी देखने को मिलने वाला है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर आपको दो कोर मिलने वाले कोर्टेक्स A76 के, जो कि क्लॉक किए जाएंगे 2.4 GHz पर। बाकी के 6 कोर आपको मिलेंगे कोर्टेक्स A55 के, जहाँ पर पीक क्लॉक स्पीड होगी 2 GHz की। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें CPUs देखने को मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेली परफॉर्मेंस में तो कोई शिकायत नहीं आने वाली। गेमिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा आम वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU, जो कि आपको यहाँ पर इस बजट के अकॉर्डिंग अच्छी खासी गेमिंग भी करा देगा। भाई यहाँ पर स्मार्टफोन का जो ब्रेन है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। वहीं पर अगर हम फ़ोन के हाथ और पैरों की बात करें, तो इस फ़ोन के अंदर आपको 6 और 8 GB की रैम मिलेगी। रैम की क्वालिटी होगी LPDDR4X। और वहीं पर स्टोरेज की बात करें तो 128 और 64 GB की स्टोरेज आपको देखने को मिल सकती है, जहाँ पर स्टोरेज की क्वालिटी होगी UFS 2.2, जिसका मतलब दोस्तों रीड और राइट के साथ साथ ऐप लोडिंग परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर फास्ट मिलने वाली है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसी के साथ में अगर हम बात करें फ़ोन की आंखों की, तो दोस्तों इस फ़ोन के बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलने वाले हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा होगा 64 MP का और साथ ही साथ आपको यहाँ पर EIS का फीचर मिलेगा। इन सभी के अलावा 5 MP का एक और सेंसर होगा और 2 MP का आपको यहाँ पर एक पॉसिबली VGA सेंसर देखने को मिलने वाला है। सेल्फी की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा 16 MP का सेल्फी स्नैपर। तो अब की बार दोस्तों यहाँ पर कैमरा सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलने वाला है, बट देखते हैं यहाँ पर इमेज आउटपुट कैसे निकल कर आते हैं। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो पॉसिबली आपको यहाँ पर 2K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं up to 30 FPS। तो दोस्तों जब हमने इतनी सारी बातें कर ही ली हैं, तो अब बात करते हैं फ़ोन के पावर हाउस की, क्योंकि भाई इसके बिना तो ये चलने वाला ही नहीं है। तो इस फ़ोन के बैक साइड में आपको यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी मिलने वाली है और साथ ही 45W की चार्जिंग का सपोर्ट होगा चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलेगी। हालांकि बैटरी साइज आपको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा मिलने वाला है, लेकिन चार्जिंग स्पीड काफ़ी अच्छी होगी, तो ओवरऑल बैटरी में भी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए अब कुछ एडवांस फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और तो और ये स्मार्टफोन आएगा एंड्रॉइड 13 पर। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं स्मार्टफोन की लॉन्च डेट और प्राइसिंग की। तो दोस्तों एज पर लीक्स ये जो स्मार्टफोन है ये पहले वियतनाम में लॉन्च होगा और फिर उसके बाद ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा, और पॉसिबली ये स्मार्टफोन हमें जून या फिर जुलाई के आसपास में लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है। रही बात स्मार्टफोन की प्राइसिंग की दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन का जो बेस वेरियंट होगा वो हमें इंडिया में करीब 15,000 रुपये के आसपास में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन का जो बेस वेरियंट होगा उसकी कीमत 15,000 से ऊपर जाने ही वाली नहीं है। तो उस हिसाब से देखेंगे भाई तो फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है। AMOLED की पैनल मिल रही है, जो कि इस बजट के अंदर आपको किसी भी अदर ब्रांड की तरफ से देखने को नहीं मिलती है। साथ ही 5G का सपोर्ट मिलेगा, 64 MP का आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप भी मिलने वाला है, साथ ही साथ 44W की चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगी। और रही बात दोस्तों प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर भी इस बजट के अंदर काफ़ी अच्छा है।
अब देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमें ये स्मार्टफोन किस प्राइस पर देखने को मिलता है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपके हिसाब से कैसा है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।